वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ आप लोगों को अपने YouTube चैनल ट्रिक्स मास्टर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रेन की टिकट को ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर ये हम टिकट बुक कर लेते हैं तो क्या ये ट्रेन में काबिल कबूल है या नहीं है, या फिर इसका क्या सारा तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, सारा इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अपने अंत तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि बाकी भी इस तरह ये टिकट बुक कर सकें। इसके अलावा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दो तरीकेकार हैं, एक एप्लीकेशन है, दूसरा वेबसाइट। बेस्ट यही रहेगा कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ रेलवे पाकिस्तान लिखेंगे तो रेलवे पाकिस्तान की सबसे टॉप पे आपको एप्लीकेशन शो होगी, जो कि रेलवे की अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ से आप इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या लोगो वगैरह देख लें। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे करता हूँ ओपन। सो ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है ये है कि आपको यहाँ अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, सिर्फ नाम देना है, नंबर देना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देनी है और पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने इसको आसानी से साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ट्रेन टाइमिंग चेक कर सकते हैं, फॉरियड रेट्स चेक कर सकते हैं, मेंबर प्रोफाइल, जो आपकी अपनी प्रोफाइल आपने रजिस्ट्रेशन की थी वो, उसके बाद पेंडिंग टिकट्स, बुकिंग टिकट, बुकड टिकट्स, जो आपने टिकट बुक की हैं वो, और कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से नीचे कुछ ऑप्शन है, कंप्लेन कर सकते हैं, कोई मसला आता है, हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए गए हैं, ट्रेन कैंसल्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं सारा कुछ। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि यार हम ट्रेन की टिकट किस तरह बुक करें, तो ये हम सीख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपने फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। फ्रॉम स्टेशन मतलब कि जहाँ से आप जाना चाहते हैं, टू स्टेशन जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। तो ये दो तरीकाकार है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। बुक ई टिकट पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो मैं, चलो यहाँ से इजी है तो यहाँ से कर लेता हूँ। फ्रॉम स्टेशन मैं यहाँ से कर लेता हूँ मुल्तान, तो यहाँ मैंने मुल्तान किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, चले जी मैं करता हूँ लाहौर, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लाहौर कैंट, यहाँ लाहौर जंक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे डेट पूछेगा किस डेट को आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि जिस दिन, अब आज 3 है तो मैं आज तो नहीं निकलूँगा, जाहिर सी बात है मैं कल या परसों निकलूँगा, घर बैठे मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, तो मैं कोई और डेट सेलेक्ट करूँगा। कोशिश करें कि एक दिन पहले आप टिकट बुक करें, दो दिन पहले टिकट बुक करें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, बर्थ और सीट्स मिल जाती हैं, वरना परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ 4 पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ ओके पे क्लिक किया तो यहाँ मेरा ये सारी सिलेक्शन होगी। उसके बाद सर्च ट्रेन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो मुल्तान से लाहौर जा रही हैं, यहाँ आपको सारी शो हो जाएंगी। ये सारी ट्रेनें हैं, ठीक है, जैसे कि अवाम एक्सप्रेस है, जाफ़र एक्सप्रेस है, उसके बाद पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, उसके बाद कराची एक्सप्रेस है, उसके बाद तेज़गाम है, ये सारी लाहौर जाती हैं मुल्तान से। शाह हुसैन एक्सप्रेस है, उसके बाद खैबर महल है, उसके बाद मूसा पाक एक्सप्रेस है, या काफ़ी सारी है ट्रेनें आपको शो हो रही हैं, शालीमार एक्सप्रेस है। तो मैं यहाँ से एक ट्रेन को कर लेता हूँ, चले मैं मूसा पाक को कर लेता हूँ। मूसा पाक में जो यहाँ सारी डिटेल आपको शो हो रही है, ये 4 बजे मुल्तान से रवाना होगी और 8 बजे जो है ये 8:45 पर रात को ये आपको वहाँ लाहौर में पहुँचा देगी। रात को 8:45 पर ये लाहौर पहुँचाएगी। टोटल 7 स्टॉप्स आएंगे इसके, 7 जगह पर ये रुकेगी। यहाँ स्टॉप्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कौन कौन से स्टॉप्स पर रुकेगी ये भी देख लेते हैं। मुल्तान से जैसे ही रवाना होगी खानेवाल में रुकेगी। खानेवाल में कितनी देर रुकेगी, 4:43 पर ये खानेवाल पहुँचेगी और 4:45 पर रवाना होगी, मतलब कि सिर्फ 2 मिनट रुकेगी। उसके बाद मियाँ चनू में भी ये 2 मिनट रुकेगी, साहिवाल में जो है ये 2 मिनट रुकेगी, उकाड़ा में जो है ये 2 मिनट रुकेगी, पतोकी में भी 2 मिनट रुकेगी, और उसके बाद रेवेंड में भी ये 2 मिनट रुकेगी, और उसके बाद कोट लखपत में भी ये 2 मिनट रुकेगी। यहाँ 2-2 मिनट रुक रही है ये लाहौर, मुल्तान से लाहौर नज़दीक पड़ता है तो यहाँ इसमें कोई जंक्शन बीच में नहीं आ रहा, मेन मुल्तान जंक्शन है तो वह मुल्तान में ये रुकेगी। उसके बाद ये हर जगह 2-2 मिनट रुकेगी। तो सो काफ़ी ऐसे है, जैसे कि रोहिड़ी है, रोहिड़ी में आधा घंटा रुकती है, तो ऐसे काफ़ी कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ आधा आधा घंटा रुकती है ट्रेन, लेकिन यहाँ बीच में ऐसा कोई जंक्शन नहीं आ रहा तो ये 2-2 मिनट रुकेगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलो हम जी यहाँ बैक कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि किस बोगी में आपको चाहिए, मतलब कि ये टिकट, एसी स्टैंडर्ड में चाहिए, एसी बिजनेस में चाहिए, इकोनॉमी में चाहिए, पार्लर कार में चाहिए। तो मैं इकोनॉमी करता हूँ, ज़्यादातर लोग इकोनॉमी करते हैं। कोई भी ट्रेन आप कर सकते हैं, कहीं भी कोई ट्रेन लाजमी नहीं है, हर जगह आपको यहाँ मूसा पाक मिले। तो सेम प्रोसीजर यही होता है, यहाँ देखें ये ना
मतलब यहाँ सारे आते हैं, तो यहाँ मैं इकॉनमी को करता हूँ, ज़्यादातर लोग इकॉनमी करते हैं, तो मैं चेक स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ इकॉनमी के। यहाँ टोटल 16 हैं जिसमें कुछ सीट हैं और कुछ बर्थ हैं। सीट का रेट जो है 550 है, बर्थ का जो रेट है वो 600 है। चलें जी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ ये बोगियाँ आपको सारी शो होगी, इस ट्रेन में जितनी बोगियाँ हैं, यहाँ ये सीट्स हैं, साइड पे सीट है और ये बर्थ है। अब यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ देखें ये एक साइड के बर्थ हैं, बीच में टेबल है, ये दूसरी साइड के बर्थ हैं, ये टेबल बीच में शो हो रहा है। उसके बाद नीचे करते हैं, यहाँ एक साइड के बर्थ हैं, दूसरी साइड पर ये एक टेबल है, उसके बाद ये बर्थ है, उसके बाद ये बर्थ का जो है नक्शा भी दिया हुआ है। यहाँ देखें सबसे नीचे वाला बर्थ ये होगा, सेंटर वाला ये होगा, सबसे ऊपर वाला ये होगा, 31, 32, 33, इस तरह इस साइड से ऐसे गिनती आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे इस साइड पे आएगी। नीचे वाला ये है, सेंटर वाला ये, आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के हिसाब का बर्थ आप बुक कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला बर्थ खाली है। जो रेड कलर होगा वो सारी बुकड हुई पड़ी हैं, ऑलरेडी बुक हुई पड़ी हैं। जो ग्रीन कलर होगा वो आपने बुक करनी है, तो यहाँ ग्रीन कलर जो है ना ये आप बुक कर सकते हैं, ये अनबुकड है। अगर इस बोगी में नहीं मिल रही तो आप नेक्स्ट बोगी कर सकते हैं, नेक्स्ट कोच पर क्लिक करके। तो मैं यहाँ नेक्स्ट कोच कर देता हूँ। नेक्स्ट कोच पर काफ़ी सारे यहाँ बर्थ खाली हैं, कोई भी बर्थ आप इस तरह कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको सारी रेड आए तो आप यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, तो सारे बोगीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। जिस बोगी में खाली बर्थ हो वो आप कर सकते हैं, जो रेड है वो नहीं होगा, जो ग्रीन है वो कर सकते हैं। चलें जी मैं यहाँ से ये दो बर्थ बुक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक बार अगेन टैप करता हूँ। अगेन टैप करने का ये होगा कि ये आपको बता देगा कि आप एडल्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं या बच्चे की हाफ़ टिकट लेना चाहते हैं या किसी माजूर बूढ़े की। अगर बच्चे की लेंगे 3 से 10 साल की हाफ़ टिकट तो वो इस पर क्लिक करें, अगर 10 से 65 साल की उम्र तक है तो आप यहाँ इस पर क्लिक करें। तो मेरा ऑलरेडी ये एडल्ट होगा तो मैं इस पर भी करता हूँ। ये दो बर्थ मैंने बुक करने हैं, ये इस तरह इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ उसके बाद हमने बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखे क्या लिखा हुआ है, मेहरबानी दोस्त नाम और शनाख्त कार्ड नंबर दर्ज करें। गलत नाम और शनाख्त कार्ड नंबर दर्ज करने की सूरत में आप बगैर टिकट तो सफर होंगे और जुर्माने के साथ टिकट लेना होगी। गलत शनाख्त कार्ड नंबर की सूरत में आपका रिफंड भी आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका रीज़न क्या है, जिस बंदे को ट्रैवल करना है उस बंदे का अपना शनाख्ती कार्ड नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका नाम ज़रूरी है। दूसरा उसके साथ जितने भी हों तो वो फैमिली पैक पर आ जाता है, सिर्फ उनका नाम लिखना है, नीचे शनाख्ती कार्ड एक बंदे का भी चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये काबिले कबूल है, ऑनलाइन टिकट जो लेते हैं इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा जब हम सफ़र करेंगे। तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले सफ़र किया है ट्रेन पर, और यहाँ से मैंने सफ़र किया, जहाँ भी मुझे टीटी ने टिकट पूछा या गार्ड ने टिकट पूछा तो सिंपल मैं उनको मैसेज दिखाता आया, क्योंकि यहाँ हम जब बुक करेंगे तो हमें एक मैसेज रिसीव होगा, वो मैसेज आपने सेव रखना है। वो मैसेज आपको जहाँ तक आपकी मंजिल है, जहाँ सफ़र तक आपने जाना है, वो आपने मैसेज सेव रखना है। हर जगह आपसे ये मैसेज पूछा जाएगा, टिकट पूछेंगे आपने मैसेज दिखाना है। जब स्टेशन पर पहुँचेंगे, बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी टिकट पूछा जाता है या प्लेटफॉर्म पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपने ये मैसेज दिखाना है। वो कह देंगे ओके कर देंगे, कोई मसला नहीं आएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आपने फ़ोन नंबर लिखना है उस बंदे का जिसने ट्रैवलिंग करनी है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पैसेंजर का नाम देना है जिसने ट्रैवलिंग करनी है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, नीचे भी वैसे ही उसका नाम और नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर जो है आपने उस बंदे का देना है जिस बंदे ने ट्रैवल करना है। अगर साथ कोई और जा रहा है उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो सिर्फ उसका नाम चलेगा, शनाख्ती कार्ड आप अपना दे सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको फिल कर दिया है, मैंने फ़ोन नंबर को ब्लर कर दिया है और शनाख्ती कार्ड नंबर को ब्लर कर दिया है। अब यहाँ देखें, मैंने अपना फ़ोन नंबर लगाया है, यहाँ मैंने अपना नाम लगाया है, नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लगाया है, यहाँ मैंने अपने कज़न का नाम लिखा है लेकिन शनाख्ती कार्ड अपना लगाया है, तो कोई मसला नहीं, शनाख्ती कार्ड एक ही चलेगा लेकिन नाम अलग अलग लगाने हैं आपने। ठीक है, ये कर दिया। करने के बाद आपने कंटिन्यू फॉर ई टिकट पर क्लिक करना है, तो मैं कंटिन्यू फॉर ई टिकट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये बता रहा है कि पेमेंट डिटेल वगैरह सारा कुछ, तो हमने यहाँ फिर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे कह रहा है कि अगर दुकान से पैसे पे करेंगे तो वहाँ आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आपके पास अपना यहाँ कोई मोबाइल अकाउंट है तो यहाँ आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपको जैज़ कैश, ईजी पैसा और UBL ओमनी का ऑप्शन है। इन 3 तरीक़ाकार से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैज़ कैश ज़्यादातर चलता है, तो मेरे पास भी जैज़ कैश है, मैं जैज़ कैश पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपने कंफर्म ई टिकट पे क्लिक करना है, यहाँ जैज़ कैश पे टैप करके कंफर्म ई टिकट पे क्लिक करना है। यहाँ आपसे कह रहा है कि नंबर एंटर करें, अब आपने यहाँ अपना जैज़ कैश नंबर एंटर करना है। जैज़ कैश नंबर एंटर करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि अपना MPN नंबर लगाएं, जो आपका कोड है जैज़ कैश का। वो कोड जैसे ही लगाएंगे आपके पैसे आपके जैज़ कैश अकाउंट से काट लिए जाएंगे और ट्रेन वाले को रिसीव हो जाएंगे, स्टेशन को। ठीक है, उसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा,
वो मैसेज आपने सेव रखना है। तो यहाँ आप अपने मैसेज में चले जाएं, मैसेज आपको रिसीव होगा, वो मैसेज ही आपने एंड तक दिखाते जाना है। जिस जो बंदा पूछेगा आपने वो मैसेज उसको दिखाते जाना है, और इस तरह आप इजीली सफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, तो टिकट लेना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ जाकर टिकट लो, लाइनों में लगो, रश में, पता नहीं बर्थ मिलता है कि नहीं, सीट दे देते हैं, कुछ भी ऐसा मसला आ सकता है। लेकिन घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कितने बर्थ खाली हैं, कितने सीटें खाली हैं, कौन सी बोगी खाली है, सारा घर बैठे यार चेक कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये ईजी काम है। आप इसी तरह घर बैठे अपनी टिकट रेलवे की बुक कर सकते हैं।